नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा, चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, बताऊंगा आपको कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट का यूज आप अपनी ट्रेडिंग में करके किस तरीके से मार्केट से बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, और बात करूंगा कि रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत ही नायाब चीज है जिसको आप अगर अपनी ट्रेडिंग में रेगुलर बेसिस में यूज करते हैं तो दोस्तों आप बाजार से बड़ा पैसा तो निकालेंगे बट आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ही ज्यादा बिल्ड होगा। तो आज के वीडियो में मैं कोई भी किसी भी तरीके किताबी ज्ञान आपको नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है मैं कोई बुक्स पढ़ कर आया हूँ, वही दोस्तों बुकिश लैंग्वेज में आपसे बात करूंगा। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि जब भी आप ट्रेड करते हैं ना, तो जो भी बुकें आपने पढ़ी हुई हैं, किताबें पढ़ी हुई हैं, किताबें पढ़ना बहुत अच्छी बात है, बट दोस्तों एक ट्रेड पढ़ते ही ना सारी किताबें गायब हो जाती हैं। आपको बोलना चाहूंगा कि जब तक पॉकेट पे पिंच नहीं होता ना, तब तक आपको सीखने को नहीं मिलता है। तो आपको आज की वीडियो में बताऊंगा कि मैं अपनी ट्रेडिंग में किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट का यूज करके बड़ा पैसा बनाता हूं। जैसे आप मेरी वीडियोस देखते हैं जिसमें आप देखते हैं कि मैं जैसे कि मार्केट से पैसा निकालता हूं, तो मार्केट से पैसा निकालता तो हूं बट एक रिस्क को भी मैं मैनेज करके चलता हूं, और ट्रेडिंग में दोस्तों स्टॉप लॉस भी किस तरीके से लगाए जाते हैं वो भी मैं आपको आज की वीडियो में समझाना चाहूंगा। तो एक चीज और है दोस्तों कि कई लोग ऐसे हैं जो फोन करके या फिर हमसे स्ट्रेटजी मांगते हैं, यानी मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि सर मुझे कोई ऐसी स्ट्रेटजी सिखा दो जिससे मैं बड़ा पैसा बना पाऊं, बट वो रिस्क मैनेजमेंट की बात ही नहीं करते। वो कहते हैं जी रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, कोई बात नहीं हमें रिस्क मैनेजमेंट आता है बट आप हमें स्ट्रेटजी बता दीजिए। कहना चाहूंगा मार्केट में जितनी भी स्ट्रेटजीज होती हैं, जब तक उसमें रिस्क मैनेजमेंट का आप यूज ठीक तरीके से ना कर पाएंगे तब वो स्ट्रेटजी भी आपको प्रॉफिट नहीं दे सकती। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा एजुकेशनल है। आज की वीडियो अगर आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा जैसे मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। तो बहुत जबरदस्त वीडियो दोस्तों आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, और यहाँ पे वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को दोस्तों शेयर भी करा करिए, लाइक भी करा करिए, और आप लोग ना कमेंट नहीं करते कमेंट भी करिए दोस्तों इस वीडियो में। तो यहाँ पे ज्यादा समय नहीं खराब करूंगा और मैं पहले आपको बताऊंगा कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, कितने तरीके के रिस्क मैनेजमेंट होते हैं और किस तरीके से आप उनका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको लेके जाऊंगा बोर्ड पे और बोर्ड पे ही आपको समझाना चाहूंगा। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके के होते हैं। तो यहाँ पे तीन तरीके के होते हैं रिस्क, एक तो आइडेंटिफाई होता है, दूसरा क्लासिफाइड होता है, और तीसरा होता है प्रायोरिटाइज। यहाँ पे आइडेंटिफाई यानी कि आप जब भी कोई ट्रेड बनाते हैं तो पहले आपको आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए क्या यहाँ पे रिस्क बनता है या फिर नहीं बनता है, और उसकी दोस्तों प्लानिंग भी होती है। दूसरा होता है क्लासिफाइड रिस्क, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि भैया कि यहाँ पे मेरा रिस्क कितना बड़ा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मेरा रिवार्ड कम है और मेरा रिस्क ज्यादा बड़ा है। और तीसरा होता है प्रायोरिटाइज, यानी कि आपको वो रिस्क लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। बहुत से ऐसे ट्रेड होते हैं उसमें भी काफी रिस्क होते हैं बट यहाँ पे आपको ये भी कैलकुलेट करना पड़ता है कि यार इसका जो रिस्क है क्या मुझे लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो आइडेंटिफिकेशन भी आपको करना है, क्लासिफाइड आपको करना है, प्रायोरिटाइज भी आप ही को इसमें करना होता है। वो कैसे करना होता है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। देखिए पहले रिस्क मैनेजमेंट को मैं आसान शब्दों में आपको समझाना चाहूँ कि रिस्क मैनेजमेंट एक्चुअल में होता क्या है। रिस्क मैनेजमेंट हिंदी में अगर आपको बताऊँ, रिस्क मतलब खतरा, और मैनेजमेंट कि आप अपने खतरे को किस तरीके से कम कर पाए। तो ट्रेडिंग में दोस्तों रिस्क भी होता है। कई लोग कहते हैं जी मुझे ना कोई ऐसी स्ट्रेटजी सिखा दो जिसमें रिस्क ना हो, जो रिस्क फ्री हो। कई लोग ना इस तरीके की बातें करते हैं। कहना चाहूंगा दोस्तों कि ना रिस्क तरीके की बातें मार्केट में मत करा करो। कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है, चाहे आप ऑप्शन में काम करो, चाहे आप इक्विटी में करो, फ्यूचर में करो, किसी में भी काम करो, कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है जिसमें खतरा ना हो। कई लोग हैं जो कमेंट करेंगे नहीं हमारे पास ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें खतरा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पता है कई लोग क्या बोलेंगे कि डीप ओटीएम सेल कर दो ऑप्शंस में, उसमें क्या होगा कि ना स्ट्रैंगल भेज दो, तो स्ट्रैंगल में क्या होता है उसमें ना रिस्क काफी कम हो जाता है। मैं कहता हूँ रिस्क काफी कम है, बट एक दिन ना मैं कह रहा हूँ 12 महीने में से एक महीना या फिर एक दिन ना आपके अगेंस्ट चल पड़ा, मार्केट वन साइडेड हो गई, आपको 12 महीने का पैसा वो सीधा सीधा ले जाएगा। तो मुझे पता है दोस्तों हम भी काफी टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, रिस्क फ्री ट्रेडिंग नहीं होती है। रिस्क सब में होता है बट रिस्क होना चाहिए कैलकुलेटेड। अब मैं भी ट्रेडिंग करता हूं, मैं भी रिस्क लेता हूं, बट यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि मैं किस तरीके से रिस्क को कैलकुलेट करता हूं अपनी ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके, और स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाता हूं वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। और कहना चाहूंगा दोस्तों अगर रिस्क मैनेजमेंट को अगर आप सही तरीके से सीख गए ट्रेडिंग में, ऐसा नहीं है दोस्तों कि यहाँ पे मैं आपको कुछ बोर्ड में लिख के समझाऊंगा कि भैया ये इसके पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स को याद करने लगा, रिमेंबर दिस पॉइंट्स, और इनको अपनी ट्रेडिंग में यूज करना। देखो क्या होता है ना,
कई बार हम किताबें ज्यादा पढ़ लेते हैं तो होता गया कि किताबें ठीक है पढ़ने में अच्छी लगती है, मैं भी बुक्स पढ़ता हूँ, बट दोस्तों प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में ना वो प्रॉब्लम होती है उस टाइम, वो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन और थ्योरेटिकल चीज जो होती है वो काफी डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे मैं आपको कोशिश करूंगा प्रैक्टिकल वे में समझाना और बताऊंगा कि कैसे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, किस तरीके से आपको रिस्क को कैलकुलेट करना है, ये सारी चीज आज के वीडियो में सिखाऊंगा। तो अगर आप ट्रेडर होना इस वीडियो को देखो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ पहले लेके जाऊंगा चार्ट पे, चार्ट पे ले जाता हूँ पहले मैं आपको और चार्ट पे आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं चार्ट पे लेके जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि भैया मेरे को कोई ट्रेड बनाना है, एग्जांपल के तौर पे मुझे कोई ट्रेड बनाना है। तो चलो मैं कल की बात कर लेता हूँ कि निफ्टी में मैंने कुछ पुटे मैंने क्या कर रखी है, कैरी करी है, क्यों करी है, उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। तो यहाँ पे ना मैं क्या करता हूँ निफ्टी के चार्ट पे लेके जाता हूँ, इसको बिल्कुल ध्यान से समझेगा, आप भी निफ्टी में ट्रेडिंग करते होंगे, बट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कम रिस्क में बड़ा पैसा कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं हम ना ऑर्डरली का चार्ट यहाँ पे ले लेते हैं और मैं क्या करूंगा प्रैक्टिकली समझाऊंगा, लाइव मार्केट में ही आपको समझाना चाहूंगा कि लाइव मार्केट का मतलब है जो भी फिलहाल क्लोजिंग हुई है उसके आसपास का ही चार्ट लूंगा, दो तीन साल पुराना चार्ट नहीं लूंगा, क्योंकि दो तीन साल दोस्तों कोई फायदा नहीं है, आसपास का ही चार्ट लेके मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ डेली चार्ट आपके सामने लगा देता हूँ और मैंने कल का एक ट्रेड बनाया था, वो क्यों बनाया था, किस तरीके से बनाया था, रिस्क को किस तरीके से मैंने कैलकुलेट करा था, वो उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं लेके जाता हूँ और यहाँ पे मैंने कल क्या करा निफ्टी में मैंने क्या करा कुछ पुटे मैंने क्या करी थी कैरी करी थी, कैसे कैरी करी थी उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। पहले क्या हुआ था दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे निफ्टी में ना एक यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिला था, इसके बारे में ऑलरेडी मैं दो तीन वीडियो बना चुका हूँ। तो जब फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिला तो हमें लगा कि यार मार्केट में ना एक्चुअल में अगर तेजी होती तो यहाँ पे मार्केट सस्टेन करता, मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन नहीं करा। एक काम करता हूँ इस एरिया को थोड़ा सा कर देता हूँ जूम ताकि आपको क्लैरिटी यहाँ पे आपको मिल जाए। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे निफ्टी ने क्या करा एक रेजिस्टेंस बनाया जो कि फॉल्स ब्रेकआउट था, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। तो हमने क्या करा यहाँ पे कुछ पोजीशन हमने क्या करी यहाँ पे इसकी पुटे हमने खरीदी, चाहते तो हम क्या कर सकते थे कॉल राइटिंग कर सकते थे, फ्यूचर इसका सेल कर सकते थे, बट हमने पुटे क्यों खरीदी उसके बारे में भी दोस्तों आपको आगे बताऊंगा। हमने इसकी पुट खरीदी और हमने क्या करा हाई का इसमें एसएल लगा दिया, हाई का एसएल लगा दिया। अब आप लोग क्या गलती करते हैं इसमें रिस्क मैनेजमेंट में वो आपको बताना चाहूंगा कि जब आप कोई ऑप्शंस बाय करते हैं तो आप ना जीरो होने का वेट करते हैं, पूरे महीने का वेट करते हो, वहां पे आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते। कई लोग ये कहते हैं भैया हम ऑप्शन खरीदते हैं बट हम ना स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। भैया ऑप्शंस अगर आप खरीदते हैं ना तो भी आप स्टॉप लॉस लगाइए, ऑप्शन सेल करते हैं तो स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है, बट ऑप्शन बाइंग में भी आपको स्टॉप लॉस लगाना है, आपको भगवान भरोसे नहीं बैठना है। अगर आपका एसएल ट्रिगर होता है तो आपको एग्जिट करना है। अब हमने क्या करा हमने यहाँ पे जब इसका रेट चला था 14,950 रुपए के आसपास हमने क्या करा यहाँ पे हमने 15,500 वाली पुटे खरीद ली थी। अब हमारा एसएल क्या था इसमें था इसका किसका इस कैंडल के हाई का जो था 15,044 रुपए का यानी कि 15,050 का। तो यहाँ पे हमारा जो एसएल बनता था वो कितना था 100 पॉइंट्स का हमारा क्या था एसएल था 100 पॉइंट्स का और 100 पॉइंट्स का एसएल था हमने यहाँ पे लिया और हमने इसकी पुटे खरीद ली। हमने देखा भाई अगर मार्केट तेज होता है और यहाँ पे इसका हाई ब्रेक कर देगा तो हम क्या करेंगे अपना लॉस यहाँ पे बुक कर लेंगे, बट हमने क्या करा था हमने यहाँ पे एसएल लिया था। अब यहाँ पे एक चीज हमें देखने को मिली, हमने देखा कि यार हमें ना ये वीक लग रहा है, आपको मैंने कल की वीडियो में इकोनॉमिक वाटरफॉल के बारे में बताया था। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि मार्केट में थोड़ा लॉन्ग टर्म में मुझे थोड़ी सी ज्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जो चार्ट में देखने को मिल रहे थे। तो हमने क्या करा यहाँ पे हमने इसकी पुटे खरीदी और पुटे खरीदने के बाद हमने एसएल लगा दिया। अब एसएल लगा के हमने अपनी पोजीशन क्या करी छोड़ दी, कैरी कर ली। क्यों कैरी करी उसका रीजन क्या है, अब वहां पे नेक्स्ट डे क्या हुआ मार्केट में लो बना, कितने का लो बना था 14,814 रुपए के आसपास का, चाहता मैं वहां पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकता था बट मैंने वहां प्रॉफिट बुक नहीं करा और वहां पे मैंने 20 लॉट खरीदे थे। तो यहाँ पे अगर मैं 20 लॉट खरीदता हूँ 100 पॉइंट्स पे, अगर मान लो यहाँ पे जो भी प्रीमियम है मान लो वो प्रीमियम के हिसाब से अगर फ्यूचर वहां पे 100 पॉइंट्स नीचे आता है, क्योंकि जब मैंने बेचा था तो जिस स्ट्राइक को मैंने सेल करा था उसका डेल्टा जो था वो 0.8 था और जब मार्केट मेरे फेवर में जा रही थी तो डेल्टा ऑलरेडी क्या था इंक्रीज हो रहा था। तो मान लो यहाँ से 950 से 814 चला गया था और मैंने जो इसकी पुटे खरीदी थी मान लो खरीदी 430 रुपए पे, वो हो गई 530 रुपए हो गई। तो वहां पे मुझे 1.5 लाख रुपए के आसपास का प्रॉफिट आ रहा था बट मैंने बुक नहीं करा। क्यों बुक नहीं करा उसके बारे में अब मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ। यहाँ पे आपने समझ लिया होगा, अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन है तो वीडियो को ना रिपीट करके भी देख लीजिएगा।
तो यहाँ पे अब मैं जाता हूँ बोर्ड पे। बहुत बढ़िया चीज दोस्तों आपको सिखा रहा हूँ मैं, और अगर ये चीज आपको समझ में आ गई ना तो भैया मैं कह रहा हूँ ट्रेडिंग में ना आपकी जिंदगी बन जाएगी, बहुत बड़ा पैसा मार्केट से आप कमाओगे और आगे तक दोस्तों आप कमाते रहोगे। क्या होता है ना, जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ये आपकी मेंटेलिटी चेंज करेगी, आपकी अप्रोच चेंज करेगी। अप्रोच चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आपकी मार्केट में अप्रोच चेंज नहीं होगी ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक ये सोचोगे ना कि 5-10 हजार ही मार्केट से कमाता रहूंगा और मुझे लग रहा है कि यार 2-4 हजार रुपए कमा के मैं खुश हूं, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ये सोचो कि भैया मैं मार्केट को अगर 2 हजार रुपए दूंगा ना, तो मार्केट से 20 हजार या 30 हजार रुपए लेके निकलना है मुझे उस ट्रेड में। कैसे, वो मैं आपको आज की वीडियो में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने देखा कि भैया मार्केट है, अब इसको समझना निफ्टी है, निफ्टी में एक रेजिस्टेंस देखने को मिला। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि भैया स्पॉट मार्केट में इसका रेट चल रहा था 14,950 के आसपास, और इस कैंडल का जो हाई था वो था 15,050 के आसपास का। अब मैंने देखा कि भैया मार्केट में ना गिरावट लग रही है, मुझे लग रहा मार्केट आगे गिरेगा। और ऐसा भी अगर आपके चार्ट में कोई ऐसा पैटर्न बनता है जो आपको लगता है कि मार्केट ज्यादा तेजी से गिर सकता है, तो आप क्या करिएगा, आप क्या करिए, डीप इन द मनी या फिर इन द मनी आईटीएम वाली क्या करो, आप यहां पे पुट बाय कर लो। अब मैंने क्या करा, 15,500 वाली एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या करी, पुट खरीद ली। अब मैंने 15,500 के स्ट्राइक की पुट खरीदी, उसका रेट चल रहा था मान लो 430 का एग्जाम्पल के तौर पर। अब यहां से क्या हुआ, मार्केट नीचे आया और 14,820 रुपए का इसने लो बना दिया। अब ये पुट जो थी वो बढ़कर हो गई 520 रुपए, और यहां पे मेरे कहते 20 लॉट्स थे, ठीक है। तो मेरा जो प्रॉफिट आ रहा था कुछ 1,30,000 रुपए आसपास आ रहा था, बट मैंने इसे बुक नहीं करा। क्यों बुक नहीं करा, क्योंकि मेरे को लगा कि मार्केट और भी ज्यादा नीचे गिर सकता, बट मेरे मन में डर भी है कहीं ऐसा होना कि कल मार्केट गैप अप ओपन हो जाए। हो सकता है ना मार्केट कल गैप अप ओपन हो जाए, या फिर मार्केट यहीं से ही रिवर्स हो जाए और मेरा एसएल कट जाए। देखिए क्या होता है ना कि ये रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, ऐसा हो जाए, ऐसा हो सकता है, इस चीजों को ना दोस्तों कई बार आपको अवॉइड करना पड़ेगा। क्या होता है ना, जब भी हम बड़ा सोचते हैं ना, तो जब हम बड़ा सोचते हैं तो कई बार छोटी छोटी चीजें हमें देखने को मिल जाती है। मान लो हमने देखा कि मार्केट यहां से 500 पॉइंट गिरेगा, बट 500 पॉइंट नहीं गिरा, 300 पॉइंट गिरा, वहां से मार्केट रिवर्स हो गया। ऐसा मार्केट में कई बार देखने को मिल जाता है, बट आपकी अप्रोच हमेशा बड़ी होनी चाहिए। जब कहते हैं ना, जब कोई आदमी ऊपर की तरफ देख रहा होता है ना, तो उसे कभी बीच में टोका नहीं करते। तो यहीं पर मैं आपको समझा रहा हूं कि अभी आपकी अप्रोच क्या ऊपर है, आप ऊपर देख रहे हो, आपको लग रहा है कि भाई मैं मार्केट से इस ट्रेड में बड़ा पैसा कमाऊंगा। अब आपकी क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, मैंने 20 लॉट खरीदे थे, हो सकता है आपके 2 हो, आपके 3 हो, जिसका जो फंड है वो उतना रिस्क मार्केट में ले सकता है। तो यहाँ पे 14,820 जब गया, तो मैंने देखा भाई मुझे 1,20,000-1,30,000 रुपए आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, मार्केट वापिस से 14,950 चला गया। अब वहां पे क्या मैं रोता कि भैया अच्छा वाला मुझे 1,30,000 का प्रॉफिट आ रहा था, अब मेरा कोई भी प्रॉफिट नहीं आ रहा। बल्कि उसी दिन, मैं परसों की बात कर रहा हूँ, मैं थर्सडे की बात कर रहा हूँ, 14,960-970 के आसपास ट्रेड करा रहा था। अब उस दिन लगा यार 800 रुपए का लो बना था, पैसे आ रहे थे, बुक कर लेता। मैंने कहा नहीं, बुक नहीं करना, क्योंकि मुझे लग रहा मार्केट और भी ज्यादा नीचे जा सकता है। अब मैंने जब भी ट्रेड बनाया था अपना, तो 15,050 का मैंने क्या था, इसमें ऐसा लगाया था कि स्पॉट में 15,050 कटेगा, तो जो भी वैल्यू होगी प्रीमियम की, हो सकता है ये उस टाइम 350 हो या 330 हो, मैं पोजीशन काट दूंगा। तो यहाँ पे मैंने जो अपना लॉस मार्केट को देके बैठा हुआ था वो कितना था, 1.5 लाख के आसपास का, कि अगर इस ट्रेड में मुझे लॉस होगा तो कितना होगा, 1.5 लाख का, बट इस ट्रेड में मैं बड़ा पैसा लेके निकलूंगा। अब मैं 1.5 लाख रुपए सोच रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मान लो मैंने 20 लॉट खरीदे हुए और इसमें मैं 1.5 लाख देने के लिए बैठा हूँ मार्केट में, कि मैं 1.5 लाख रुपए दे सकता हूँ उस ट्रेड में। क्यों, क्योंकि मैंने 10 दिन में मार्केट से 13-14 लाख रुपए कमाए हैं, तो 1.5 लाख रुपए अगर मैं मार्केट को दे दूंगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा स्टॉक्स में मैंने उस दिन ट्रेड करे थे, तो 40-50 हजार में मैं उनमें कमा चुका था। तो यहाँ पे क्या हुआ, 14,960 गया, और वापिस से क्या हुआ, मार्केट क्लोज हुआ कितने पे, 14,870 रुपए के आसपास। कोई बात नहीं, ठीक है जी। अगले दिन यानी कि मैं फ्राइडे की बात कर रहा हूँ, फ्राइडे को मार्केट क्या हुआ, नीचे खुला, और मार्केट ट्रेड कितने पे करा रहा था, वही 14,750-800, और उसने जो क्लोजिंग करी वो कितनी करी, 14,630 के आसपास की इसने क्या करी, क्लोजिंग करी। अब वहां पे जब इसने यहाँ पे क्लोजिंग करी, तो हमने क्या करा, जो हमारे 20 लॉट थे उसमें हमने क्या करा, 10 लॉट क्या करे, हमने वहां पे बुक कर लिए, हमने प्रॉफिट 10 लॉट का बुक कर लिया। अब हमने 10 लॉट का प्रॉफिट इसलिए बुक करा कि अगर मान लो यहाँ से मार्केट रिवर्स भी होता है, एसएल भी कटेगा, तब भी हमारा प्रॉफिट होगा, क्योंकि इतने पैसे हमने मार्केट से हमने क्या है, कमा लिए हैं, और 10 लॉट को हमने क्या है, होल्ड कर लिया। अब कई बार क्या होता है, जब आपकी क्वांटिटी ज्यादा होती है ना, तो रात को नींद नहीं आती, रात को बार बार
आप फोन ओपन करते हो और एसजेक्स निफ्टी देखते हैं कि यार मार्केट कितना गिरा है, कितना बड़ा है। सुबह आपकी आंख 6:30 बजे खुल जाएगी, जितने बजे एसजेक्स निफ्टी खुलेगा, और वहां पे मार्केट में आप प्राइस कई बार चेंज चेक कर रहे होते हैं कि भैया एसजेक्स निफ्टी कितना गिरा, कितना बड़ा। ये चीजें थोड़ी सी होती है जब क्वांटिटी आपकी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे मैंने अपनी क्वांटिटी क्या करी, 10 लॉट की कर ली और 10 लॉट में प्रॉफिट बुक कर लिया। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा मार्केट यहां से ज्यादा नीचे गिर सकता है। अब यहाँ पे 10 लॉट क्या है मेरे, अब कैरी है, 10 लॉट्स क्या हो गए मेरे कैरी हो गए, और उसको मैं छोड़ दिया क्योंकि मेरा एसएल क्या है 15,050 का है। 15,050 कटेगा भी तो मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस, या फिर मैं प्रॉफिट में ही होऊंगा, नहीं तो इसको मैं छोड़ दूंगा। और मैं छोड़ूंगा कब तक, जब तक इसका रेट 13,800-13,900 तक नहीं आता, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे मार्केट में ये 13,700-13,800 का रेट जल्दी देखने को मिल सकता है, क्योंकि वीकली चार्ट में एक पैटर्न बना हुआ है जिसका नाम है बेयरिश एंगल्फिंग, और इवनिंग स्टार पैटर्न बना है एसजेक्स निफ्टी में। तो यहाँ पे क्या होता है ना दोस्तों, कि जब आपको पता है कि आपका टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रांग है और टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से जब आप ट्रेड बनाते हैं मार्केट में, तो दोस्तों आपको ना अपनी पोजीशन कैरी भी करनी पड़ती है। बट कैरी कितनी करनी है वो मैं आपको बताऊंगा, उतनी कैरी करनी है जिसमें दोस्तों आप होल्डिंग करें और आपको टेंशन ना हो। ये बहुत बड़ी बात है कि जिस पोजीशन में आप होल्डिंग करें उसमें टेंशन आपको ना हो। स्टार्टिंग में जब आप ट्रेड बनाते हैं तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, एक टाइम पे जब आप प्रॉफिट में हो आधी पोजीशन काट दो, आधे का एसएल कितना हाई का लगा हुआ है उसे छोड़ दो, उसे नेकेड पोजीशन है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको फालतू की हैजिंग करनी है, क्योंकि हैजिंग बेसिकली क्या होता है, जब आप ज्यादा पोजीशन हैज कर देते हैं ना आपको लॉस होता है ना आपको प्रॉफिट होता, बट आप क्या देख रहे हैं, आप प्रॉफिट देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से समझाना चाहूंगा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ चार्ट पे लेके जाता हूँ और चार्ट पे आपको समझाऊंगा। यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका वीकली चार्ट आपके सामने लगा देता हूँ। अब वीकली चार्ट में हमने देखा कि भैया यहाँ पे इस जगह पे पैटर्न बना हुआ है जिसका नाम है बेयरिश एंगल्फिंग, और इसके हिसाब से इसका जो टारगेट बनता है वो बनता है दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं काउंट करूं तो यहाँ पे 15,431 का हाई लो है, 14,467 रुपए का। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे जो 1000 पॉइंट्स का एसएल है तो टारगेट जो बनता है इसमें 13,500 रुपए के आसपास का मेरा यहाँ पे टारगेट बनता है लॉन्ग टर्म में वीकली चार्ट पे, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमें को पता है कि भी 13,500 रुपए का टारगेट है, और मार्केट जब यहाँ पे था तो मैंने यहाँ पे क्या करी थी, अपनी पोजीशन शॉर्ट में बना दी थी। अब शॉर्ट में बना दी थी तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसको क्या कर सकता हूँ, अपनी पोजीशन को क्या कर सकता हूँ, मैं राइट कर सकता हूँ 13,500-13,600-13,700 के लिए। और 10 लॉट है, 10 लॉट में अगर एसएल कट भी जाता है, मेरा एसएल कितना है 15,044 का रेजिस्टेंस के ऊपर का, अगर वो रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो हो सकता है मार्केट जो है 15,400-15,500 चले जाए, बट मैं पोजीशन को कैरी नहीं करूंगा लॉस की कंडीशन में। लॉस की कंडीशन में पैसल लगा के मैं वहां से एग्जिट कर दूंगा, और जब तक पोजीशन जो है मेरे फेवर में चलेगी तब तक मैं क्या करूंगा, अपना प्रॉफिट राइड करूंगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ कैसे, यहाँ पे देखते हैं। अब आपको पता है दोस्तों कि आपने क्या करा था, जब निफ्टी चल रही थी 14,950 पे आपने क्या करा, शॉर्ट करा, मान लो मैं यही बोलता हूं 15,050 के एसएल से, ठीक है जी। आपने 20 लॉट यहां पे क्या करे, सेल करे। मैं ऐसे ही आपको फ्यूचर के हिसाब से समझा देता हूं। अब आपको पता है मार्केट कितना आ गया, 14,650 रुपए आ चुका है, ठीक है जी। आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा है। अब आपने क्या करा, यहां पे 10 लॉट्स जो थे यहां पे बुक कर लिए, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 2,10,000 रुपए के आसपास का हुआ, और 10 लॉट्स क्या हुआ है आपके कैरी हो गए, क्योंकि आपका टारगेट कितना है 13,700-13,900 के आसपास का टारगेट है। अब मैं बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी दोस्तों आपको समझा रहा हूं, आपने पोजीशन क्यों बनाई थी 14,950 पे, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस का फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिला था, वो वीकली चार्ट पे क्या था दोस्तों, बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिला था, तो वहां से आपको लॉन्ग टर्म में 13,700-13,800 का टारगेट मिल गया, और शॉर्ट टर्म में आपको पता चल गया 15,050 के ऊपर मेरे को अपनी पोजीशन से स्क्वायर ऑफ करना है। मान लो यहाँ पे आपने मान लो 20 लॉट बेचे या 2 लॉट बेचे 5 लॉट बेचे उसको हम छोड़ देते हैं, या आपने 2 लॉट में काम करा, मैंने 20 लॉट में काम करा मान लो यहाँ पे, और यहाँ पे 300 पॉइंट्स गिरा, तो 20 लॉट के हिसाब से यहाँ पे जो मेरा प्रॉफिट आ रहा था, अगर मैं काउंट करूँ तो मेरा प्रॉफिट यहाँ पे बनता था कुछ 4.5 लाख रुपए के आसपास का, ठीक है जी। 4.5 लाख का प्रॉफिट था, तो मैंने क्या करा, मैंने 10 लॉट बुक कर लिए, तो 10 लॉट में प्रॉफिट कितना बुक करा, 2,10,000-2,20,000 के आसपास का मैंने क्या करा, अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, और 10 लॉट मैंने छोड़ दिए। अगर मान लो ये एसएल कट भी जाता 10 लॉट में तो मुझे कितना नुकसान होता, सिर्फ 75,000 का नुकसान होता, और 2,10,000 में 75,000 अगर माइनस भी कर दूंगा तब भी दोस्तों मेरा जो प्रॉफिट है वहां पे अगर मैं देखूंगा 1,45,000 रुपए के आसपास का मेरा प्रॉफिट होता। मैंने क्या करा जी, 10 लॉट है छोड़ दो,
कोई बात नहीं। अब ये आपको नहीं सोचना कि भैया अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चल जाए जो प्रॉफिट आ रहा था वो भी मेरा चला जाता, वो आपको छोड़ना है, ठीक है। वो आपको मेंटालिटी अपनी चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या करा, 210,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया और यहाँ पे मैं अपनी पोजीशन होल्ड करके भूल गया। अब भूल जाओ इसको। अब जो भी आप ट्रेड बना रहे हो ना, अब आप इंट्राडे के लिए बनाते रहो, बट ये जो पोजीशन है आपकी 10 लॉट की, ये 10 लॉट की पोजीशन है, इसको आप पोजीशनल में छोड़ देना। ये आपका ट्रेड क्या होना चाहिए, पोजीशनल होना चाहिए। और आपको बार बार देखना नहीं है इसमें, क्योंकि हो सकता है निफ्टी 14,650 से 750 भी चल जाए, 900 भी चले जाए, नीचे भी आ जाए, इस तरीके से घूमे और एक दिन में मार्केट टूटेगा एक दो दिन में और ये आपका 13,700-13,900 का टारगेट आ जाएगा। हो सकता है उसमें टाइम भी लग जाए, बट कोई बात नहीं दोस्तों, आपने अपनी पोजीशन इसमें बनाई हुई है और आपने जो पुटे खरीदी हुई है, पुटे खरीदी है डीप इंदा मनी की खरीदी है जिसमें थीटा डीके नहीं होता, और अगर आपने फ्यूचर भी सेल करा होता तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पे मान लो किसी दिन मार्केट नीचे आया और आपका 13,700-13,800 का टारगेट आ गया, या फिर आपने मान लो 14,000 रुपये प्रॉफिट बुक कर लिया, तो आपके 10 लॉट में जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, 7,500,000 का आएगा, जिसमें दोस्तों आपका जो रिस्क था, अगर मैं रिस्क की बात करूं, रिस्क कितना था आपका इसमें, 75,000 के आसपास का था। 10 लॉट में 75,000 का रिस्क हो गया ना आपका, और 200,000 आपने यहाँ पे बुक कर लिए, तो इस ट्रेड में मोटा मोटा जो आपका प्रॉफिट आएगा दोस्तों वो कितना आएगा, 1,000,000 के आसपास का आएगा, 1,000,000 के आसपास का प्रॉफिट आएगा। और ये पोजीशन जो आपने बनाई है किसमें बनाई है दोस्तों, ऑप्शन में बनाई है। अब आपको पता है 1,000,000 का प्रॉफिट के लिए आपने अगर ट्रेड बनाया हो तो आपका मार्जिन कितना लगेगा। यहाँ पे अगर मैं मार्जिन की कैलकुलेशन करूँ तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों, और इतना मार्जिन तो आपके पास भी हो गई। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं, मान लो प्राइस है 430 का, इंटू कर देंगे 75 से, तो एक लॉट में आपके लगे दोस्तों 32,250, इंटू कर दो 20 से, तो यहाँ पे आपका मार्जिन कितना हुआ दोस्तों, 6,50,000 के आसपास का होगा, 6,00,000 के आसपास का आपका मार्जिन होगा। और आपने कितने कमाए दोस्तों, 1,000,000 रुपए के आसपास इसमें कमा लिए, ठीक है। मैं तो 20 लॉट की बात कर रहा हूँ, आप इसमें 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट में भी काम कर सकते हैं। अब मान लो आपने 2 लॉट में काम करा और 2 लॉट में आपने 1 लॉट में कमा लिया दोस्तों 20-21,000 रुपए, और 1 लॉट आपने कैरी करा और उसी लॉट में दोस्तों आपने कमा लिया 75,000 रुपए के आसपास, आपका मार्जिन कितना लगा, 60-70,000 के आसपास का लगा। तो जितना आपका फंड होगा, जितना आप रिस्क ले सकते हैं, उस रिस्क के हिसाब से आप उसे इंप्लीमेंटेशन करके पैसा बड़ा बना सकते हैं। भैया मैं तो इसी तरीके से काम करता हूँ और मैं इस तरीके से काम करके पैसा अपना बना रहा हूँ। कई बार मार्केट में ऐसी ऐसी पोजीशंस मार्केट में आपको मिल जाती हैं जिसमें आप काफी कॉन्फिडेंट होते हैं। कई बार आपके साथ हुआ होगा, आपने देखा भाई विप्रो का चार्ट है, विप्रो मुझे लग रहा है यहाँ से 20-30 रुपए बढ़ सकता है, बट आप क्या करते हैं, ट्रेड बना लेते हैं, 2-3 रुपए लेके निकल जाते हैं। ऐसा होता है ना, कई बार पहले हमारे साथ भी ऐसा होता था, सबके साथ ऐसा होता है, कोई मार्केट में भगवान नहीं है। बट यहाँ पे ना आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटजी का यूज करना पड़ेगा जिससे आप पूरा प्रॉफिट राइड कर पाए। उससे क्या होगा, आप पहले थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा लो, जब मार्केट आपके फेवर में जाए आधी क्वांटिटी काट दो और आधे का एसएल कहाँ लगाओ, उतना एसएल लगाओ जितना आपको प्रॉफिट आया है। तो उससे क्या होगा ना, उसमें आपको ये हो जाएगा कि यार अब मेरा एसएल भी कट गया ना तो कोई बात, एटलीस्ट लॉस में नहीं होऊंगा। तो ये अप्रोच अगर आप यूज करोगे ना अपनी ट्रेडिंग में, मैं कह रहा हूँ मार्केट से पक्का पैसा निकालोगे, और मैं यूज कर रहा हूँ और मैं पैसा निकाल रहा हूँ। और एक चीज हो रहा है दोस्तों, जब आप मार्केट में ट्रेड करें तो आप ना पैसे से प्यार ना करें, ऐसा ना हो कि भैया मेरे को 10,000 में आया का ये चले ना जाए। ये वाली अप्रोच ना मार्केट में आपको ऊपर जाने नहीं देगी, मतलब आपको बड़ा सोचने नहीं देगी। बड़ा सोचना बहुत जरूरी है, बड़ी अप्रोच रखना बहुत जरूरी है, राइट मेंटेलिटी बहुत जरूरी है। आप लोग दूसरे को तो देखते हैं कि भाई ये बड़ा पैसा कमा रहा है, बट वो कैसे कमा रहा है वो भी मैटर करता है। अब मार्केट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो 1,00,000-1,50,000-2,00,000 का प्रॉफिट दिखाते हैं आपको, बट आपको नहीं पता वो कितना फंड यूज कर रहे हैं। वो कर रहे हैं 2-3-4-5 करोड़ के आसपास का फंड यूज कर रहे हैं, और वो क्या करते हैं, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बना देते हैं कि मार्केट अगर उनके फेवर में नहीं भी जाए, अगर वहां पे कंसोलिडेट हो तो वहां पे बड़ा पैसा कमा लेते हैं, क्योंकि उनके पास फंड ज्यादा है, आपके पास फंड कम है। तो आपके पास फंड कम है तो ये स्ट्रेटजी का यूज करो, तो जिससे आप कम पैसे से ज्यादा पैसा बना लोगे। अभी मैंने 1-1.5 महीने पहले ही दोस्तों 7,00,000 से स्टार्ट करा था, आज वो 27,00,000 रुपए हो चुके हैं। कैसे हुए, ऐसे ही हुए, कोई इसमें गलत तो नहीं है ना। कई लोग कहते हैं जी आप नेगेटिव पोजीशन बनाते हो, भाई मैं रिस्क मैनेजमेंट भी तो कर रहा हूँ, रिस्क भी तो लेके चल रहा हूँ, मेरा रिस्क कम है। अब मान लो मैंने कोई ट्रेड बनाया जिसमें मैं 50,000 का रिस्क देख रहा हूँ, तो उसमें मैं कोई 50,000 रुपये नहीं कमाने वाला, उसमें मेरी सोच कितनी रहेगी कि भाई इस ट्रेड में मैं 2-2.5 लाख रुपये कमाऊंगा। अगर मुझे लग रहा है 2-2.5 लाख रुपये इस ट्रेड में नहीं भी कमाऊंगा, 50-60,000 रुपये भी कमाऊंगा, तो उसके हिसाब से मेरा रिस्क 10-20,000 रुपये का ही होगा। जितना मेरा रिस्क है उसमें मेरा रिवॉर्ड 3-4 टाइम्स में लेने की कोशिश करता हूँ। और दोस्तों रिस्क लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, रिस्क लो
मैं आपको कह रहा हूँ कि रिस्क सब में है। अगर आप ऑप्शन में भी स्ट्रेटजी बनाते हो तो उसमें भी रिस्क है, नेकेड पोजीशन बनाते हो तो उसमें तो रिस्क है ही, फ्यूचर में भी रिस्क है, रिस्क ही रिस्क है दोस्तों। पर रिस्क को मैनेज कैसे करना है दोस्तों आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा रिस्क लो, कैलकुलेटेड होना चाहिए, और रिस्क लेके दोस्तों आप बड़ा पैसा मार्केट से जरूर कमाओ। तो यहाँ पे कहना चाहूंगा दोस्तों कि आज जो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जो मुझे आपको बताना था, जिस तरीके से मैं रिस्क मैनेजमेंट का यूज अपनी ट्रेडिंग में करता हूँ वो मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मैं यहीं पर वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।